आई एम सी ए जाके और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ड्यूरिंग द स्टडी आप स्लीपी स्लीपी सा फील होता है ऐसा लगता है सो जाएं स्टडी नहीं करें और जब सोने जाते हैं तो ऐसा लगता है स्टडी करनी ये वाली चीज आपके साथ हो रही है ना तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ रीजन्स जिसकी वजह से हम ऐसा फील करते हैं और कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं तो इसका मेन रीजन जिसकी वजह से हमें स्लिपी स्लिपी सा फील होता है वो है पैसिव लर्निंग नॉर्मली हम अपनी स्टडी में पैसिव लर्निंग को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हम डिसेज फील करते हैं ऐसा लगता है इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है स्टडी में पैसिव लर्निंग इज नॉट बैड पैसिव लर्निंग इज गुड इन अवर फर्स्ट रीडिंग बट आफ्टर डैट जब हम रिविजन स्टार्ट करते हैं तो हमें एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को यूज करना चाहिए पैसिव लर्निंग और एक्टिव एक्टिव लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है आपने नॉर्मली बुक उठाई है और आप उसे रीड कर रहे हैं इसे कहते हैं पैसिव लर्निंग आपने बुक उठाई है और आप जो भी कॉन्सेप्ट रीड कर रहे हो उसको आप इसे एक्टिवली रिकॉल करने का ट्राई कर रहे हो या फिर जो उसे बोल कर स्टडी uh, कर रहे हो या फिर उसके साथ साथ आप लिखते जा रहे हो कुछ पॉइंट्स कुछ की वर्ड्स ये आपका कहलाता है एक्टिव लर्निंग तो ट्राई करें फर्स्ट रीडिंग में पहले ही आप पैसिव लर्निंग को यूज करें लेकिन आफ्टर डेट जब आप रिविजन कर रहे हो तो आप एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स टारगेट क्या होता है ना उसको उठा के भी नहीं रख दूंगा चेंज करनी पड़ेगी आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए स्टडी कर रहा हूँ वो मेरी लाइफ में कैसे यूज में आएगा ट्राई टू इंगेज विथ यूर स्टडी फॉर एग्जाम्पल आप टैक्स स्टडी कर रहे हैं तो सोचिए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अफेक्ट करेगा कैसे रूल्स अप्लाई होंगे उसको अपनी डेली लाइफ कनेक्ट करने का ट्राई करें जितना आप अपनी स्टडी के साथ कनेक्ट होंगे इंगेज होंगे आपको नींद कम आएगी और आप अपने स्टडी पे फोकस कर पाएंगे ये तो हो गया कुछ रीजन अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जिनके हेल्प से आप ये जो स्लीपी स्लीपी वाली फीलिंग्स है ना उसको इग्नोर करके अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएंगे नंबर वन थिंग जो मैं अपनी स्टडी में किया करती थी म्यूजिक चला दो यार कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक चला दो या पीसफुली म्यूजिक चला दो आप प्रेफर कीजिएगा लिरिक्स वाले म्यूजिक्स मत चलाओ क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड उधर चला जाएगा लिरिक्स पर आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे YouTube पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से जो आप ड्यूरिंग द स्टडी चलाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं सेकंड थिंग जब भी लो फील हो रहा हो डीमोटिवेट फील हो रहा है स्टडी का मन नहीं कर रहा हो ना तो क्या करो पाँच मिनट कोई मोटिवेशनल सॉन्ग्स चला लो मैं तो डेली दस से पंद्रह मिनट मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुना करती थी अगर आप सुनना चाहते हो तो सीक्रेट सुपर मूवी के बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं और मेरी कॉम मूवी के भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे तो खुद को बुस्टअप करते जाइए इन सॉन्ग्स के साथ सेकेंड थिंग आप फॉलो कर सकते हैं पांच मिनट रूल पांच मिनट रूल मतलब क्या जब भी लगे ना या सोना है नींद आ रही है तो माइंड को बोलिए यार बस पाँच मिनट और पाँच मिनट और स्टडी कर लेते हैं ये जो पाँच मिनट का रूल है आपको शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फील करोगे आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो गई है नेक्स्ट थिंग जब भी लगे ना यार नींद आ रही है सोना है सोना है तो जाके आप सो ही जाइए क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है बस हमारा माइंड कहता है कि हमें नींद आ रही है जबकि आपको नींद आ ही नहीं रही होती है अस सूनस यू ट्राई टू स्लीप यू आर स्लिप डिसऐपियर तो ये ट्राई करके देखिए क्या पता सिर्फ आपके माइंड का हो कि नहीं मुझे नींद आ रही है एक्चुअल मैं आपको नींद आती ही ना हो नेक्स्ट थिंग जब भी ऐसा फील हो रहा हूँ ना स्लीपी स्लिपी ये मैं अक्सर क्या करती थी बिकॉज मुझे दिन में नींद आती थी तो अपना मैं फेस वॉश करती थी आँखों को बहुत अच्छे से धोती थी और कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट कर देती थी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कहा मेरे एक दो घंटे तीन घंटे निकल जाते थे मुझे आइडिया ही नहीं होता था तो आप ये चीज भी ट्राई कर सकते हैं अब नेक्स्ट थिंग यार कितने घंटे सोना चाहिए अगर आप 6 से आठ घंटे सो रहे हो ना देन इट्स ओके आप बराबर नींद ले रहे हो ज्यादा नींद नहीं ले लेकिन अगर आप आठ घंटे से ज्यादा नींद ले रहे हो मतलब कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में अनफिट है या फिजिकली अनफिट है तो स्टार्ट कीजिए एक्सरसाइज आधा घंटा डेली आप अपनी एक्सरसाइज को दीजिए इससे आपको आपकी बॉडी में एक एक्टिवनेस एक फील होगी जो स्लीपी स्लिपी वाला जो बिहेवियर है ना वो दूर हो जाएगा सो आई होप ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है रियली really, रियली really आपको आपके स्टडी में हेल्प करेगी तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं हमारे ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय